नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे मित्रों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। और कोई भी समस्या हो, कोई मन में डाउट हो, कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका हल ना मिल रहा हो आपको और आपको लगे कि मुझे लिखना चाहिए, तो दीदी को जरूर लिखिए, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगी। चलिए बात करते हैं एक्वेरियम की। बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि एक्वेरियम को हम कहाँ रखें, मछलियों का जो घर है, शीशे का जो बॉक्स है जिसमें सुंदर सुंदर प्यारी मछलियां होती हैं, इसे घर में रखें तो किस दिशा में रखें, यदि दफ्तर में रखें तो कहाँ रखें कि धन बरसे हम पर अपार और बहुत आशीर्वाद लगे मछलियों का। एक अजीब सी मिथ्या फैली हुई है इस दुनिया में, ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं कि मछलियों को जो हम अपने घर में एक्वेरियम में रखते हैं तो हम पर से राहु केतु और सभी दूषित ग्रह, सभी पाप ग्रह का जो दुष्प्रभाव होता है यह खत्म हो जाता है और हम पर धन धान्य बरसता है और इन मछलियों का भर भर कर आशीर्वाद मिलता है हमें। मेरे इन बातों को बिल्कुल ध्यान ना दे, नहीं मिलता है कोई आशीर्वाद एक्वेरियम रखने से। और कहां रखें और किस दिशा में रखें, ना रखें अपने घर में, ना रखें अपने दफ्तर में। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आपको बंद कर देती हूँ मैं पानी के एक बहुत सुंदर से बॉक्स में और चार नहीं पांच बार आपको भोजन दूंगी और बार बार आपका मनोरंजन करने के लिए आऊंगी, तरह तरह के लाइट्स जला दूंगी, आपके घर को बराबर साफ भी करूंगी, किंतु चलने फिरने वाला उस मनुष्य को मैं पानी के बॉक्स में बंद करके रखूंगी और पूछूंगी इसे किस दिशा में रखूं कि मुझ पर से सारे ग्रह दोष खत्म हो जाए। मछलियां तैरने वाली एक प्राणी है, बिल्कुल स्वच्छंद प्राणी है, बिल्कुल तैरती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, पंख फैलाती हैं। ये बंदिश है, ये जो छोटे से जगह में थोड़ी सी पानी में हम मछलियों को रख देते हैं और उससे अपना मनोरंजन करते हैं। ग्रहों का तो पता नहीं पर हमारा भरपूर मनोरंजन होता है, ऐसा ना करें। ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल एक्वेरियम को रखना निषेध है, इसे बिल्कुल ना रखें। और राहु का दोष इस पर पड़ जाता है क्योंकि मछलियां राहु और केतु का सूचक होती है, जुड़ी होती है, तो जब वो घुटती है उनकी इच्छा होती है समुद्र में जाने की, नदी में जाने की, पर उसे बार बार उसी पानी में घूमना पड़ता है, तो जितने लोग उनके सामने रोज आते हैं उन्हें वो आशीर्वाद नहीं देती है और श्राप देती है कि जैसे मैं बंधन में बंध गई हूँ, मेरी सीमा हो गई है एक, वैसे तुम भी बंध जाओ। जिस जिस घर में एक्वेरियम है ध्यान से देखिए कि उस व्यक्ति का, उस घर में एक एक सदस्य का, किसी की नौकरी बंद गई है, वो छूटना चाहता है वहां से, निकल नहीं पाता, वो चाहता है इस नौकरी को छोड़ दे पर उसे करना पड़ेगा। कोई ऐसे कोर्स में पड़ गया है वो बच्चा, उसे वही पढ़ना पड़ेगा, वो चाहता है कि कैसे मैं निकल जाऊं, नहीं निकल सकता। कोई ऐसा सदस्य ऐसी बीमारी में उलझ गया है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता, सभी लोग जा रहे हैं घूम रहे हैं, वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया है, अब वो अपने घर में चुपचाप से बैठने के लिए विवश हो गया है। ये दोष है एक्वेरियम रखने का, क्षेत्रों को सीमित कर देता है। एक्वेरियम रखने से आपकी जिंदगी में एक लिमिटेशन का सूचक होता है कि अब बंदिशें आपके भी जीवन में लग गई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन ना निकल सकते हैं ना बेच सकते हैं, कहते हैं सांप और छछूंदर का हल हो गया है मेरा, मैं ना निकल सकता हूँ ना उगल सकता हूँ। ये श्राप है एक्वेरियम रखने का, तो कृपया किसी भी दिशा में ना रखें एक्वेरियम, अपने घर में ना रखें। यदि खरीद लिया है आपने, इतने दिनों से है आपके पास और इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहते हैं किसी एक्वेरियम को हटा दे, तो किसी को दान में ना दे दें, वरना फिर ये मछलियां तो कैद ही रहेंगी आपके घर, नहीं तो किसी के घर में रहेंगी और श्राप आप ही को लगेगा। इसीलिए मछलियों को मुक्त कर दें, नदी में छोड़ दें, एक्वेरियम खाली करके उसमें फूलों का पौधा लगा दें, लेकिन एक्वेरियम ना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।